सर यार देखो सीन कुछ ये हुआ है कि आने वाले क्लिप्स में आप देखोगे ना कि हमारा प्लान था कहीं जाने आने का, तो वो हो गया है कैंसिल। तो आज आप सिर्फ चाय बनाना ही सीख लो मुझसे, ठीक है? तो वो आपको ना मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसकी रीज़न बताऊंगा कि क्या किस वजह से कैंसिलेशन हुई है। तो अभी आप व्लॉग एंजॉय करो, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है ईद का तीसरा दिन, आज हमने जाना है, मैंने और अब्दुल समद ने ना जाना कहीं पर ना कुछ खाने पीने बाहर का, घर का खा खा के ना थक गए हैं, यकीन करो, मैदे भी जवाब दे गए हैं। आज हम जाएंगे फिर डॉक्टर सोसी, कुछ लोडेड फ्राइज और आइसक्रीम वगैरह खाएंगे। फिलहाल अभी है नाश्ते का टाइम, तो फटाक से नाश्ता कर लेते हैं। गाइज आज है हमारे पास खाने में बकरा, तो बकरा खाते हैं, इंजॉय करते हैं नाश्ते को अपने। तो फिर फाइनली गाइज अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया, तो अभी बाहर सवादें आ रही हैं, चिंटू के साथ खेल रहे हैं आज। वैसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले की नस्बत बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, मिन्हा जी है मार रही है, चिंटू के साथ खेल रहे हैं, तो चलते हैं चिंटू के पास। और चिंटू इज बैक, अशजादा शाबाश, ये वाला चिंटू पसंद, आजा। ये नंद है, ये लड़की है, चिंटू का अदाप किया जा रहा है, वाह क्या बात है चिंटू की। अरे चिंटू किस खुशी में अदाप किया जा रहा है, सरीला खाने की लालच तो नहीं हो रही? चिंटू इन्हीं हाथों ने तुझे सरीला खिलाया है, मार रहा है, शर्म तो नहीं आती बेटे, मरते मरते को बचाया तुझे। आए आ गया चिंटू, मारा पुराने वाला चिंटू इज बैक, माशाल्लाह। सो यार ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया कि यार चिंटू बहुत जल्दी ठीक हो गया, वरना ये तो इसने तो पूरी प्लानिंग की हुई थी कि मैंने मर जाना, खाना पीना इसने छोड़ दिया था, इसको खिला खिला के खुद से ज़बरदस्ती, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, सही लग खिला खिला के तो इसको बचाया। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये रिकवरी की तरफ जा रहा है, और आजकल तो वैसे भी ईद चल रही है और ब्लॉग के चक्करों में पड़ गया हूँ मैं, दो दो चैनल रन कर रहा हूँ, मैं अपने थीसिस को भुला बैठा हूँ कि मेरे 11 मुहर्रम को मेरा थीसिस है, 15 अगस्त तारीख बन रही है, उसको मैं भूला बैठा हूँ, तो थीसिस का भी कोई काम करते हैं। आज ईद का तीसरा दिन है, तो शाम को तो कहीं घूमने चले जाएंगे समद के साथ, अभी फ़िलहाल अपना थीसिस का थोड़ा बहुत काम को कैरी ऑन करते हैं, तो काम को स्टार्ट करते हैं, चलो चलो। लेट मी एक्सप्लेन, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये मैं क्या बना रहा हूँ। बेसिकली इतना बड़ा सांप सा बना रहा हूँ, इसके लिए ये मेरे प्रोडक्ट का एक हिस्सा है, इस तरह की मैंने एक बेल्ट टाइप कोई चीज़ बनाई हुई है, वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये ब्रेसलेट का बनाया है, ये देख रहे हो आप लोग, काफ़ी लंबे साइज़ का है। इसका क्या होगा, वो जो पीछे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना फ्रेम्स पे मैंने इसको रैपिंग करनी है और डेकोरेशन ही करनी है। तो हेयर इज़ माई फ्रेम, तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल ना ये फर्स्ट फ्रेम को ट्राई करके देखता हूँ, इसके ऊपर रैप करके देखता हूँ कि कैसा रिजल्ट निकल रहा है, स्टार्ट करता हूँ। तो यार ये मैंने एक इन एक आउट के हिसाब से इसको ना वीव किया है, बट रिज़ल्ट इतना कोई खास नहीं निकल रहा, तो फिर से ट्राई करते हैं इसकी बाउंड्री पर रैपिंग करके देखते हैं कैसा रिजल्ट निकलता है, पता लग जाएगा, स्टार्ट करते हैं फिर से इसको देखते हैं। तो यार मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि ये वाली रैपिंग जो होती है ना, ये प्रिटी गुड लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी ये ना मैं ट्राई ये कर रहा हूँ, अभी ये फाइनल वर्किंग नहीं है इसकी, एल बिकॉज के जो सलाखें हैं ना लोहे की, ये भी अभी वर्किंग होने वाली, इनके ऊपर काम होगा, फिर काफ़ी ज़्यादा मार्जिन निकलेगा, काफ़ी अच्छी चीज़ बनेगी, है ना, प्रोडक्ट बनेगा इंशाल्लाह। अभी मेरे पास मटेरियल की कमी है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत ट्राई है तो मार देना आज के दिन, कल जाऊँगा मैं शहर से मटीरियल बाय करके लाऊँगा, फिर काम स्टार्ट करूँगा, देन ये प्रोडक्ट क्या होगा। अभी मेरे पास व्हाइट कलर की रस्सी नहीं है, वो शॉर्ट है, तो इसलिए अभी मैंने कहा चलो ये ट्राई करके देखते हैं ये कैसा लगता है, ये बहुत अच्छा लग रहा है वैसे, देखते हैं कि क्या बनता है प्रोडक्ट में, कैसा होगा फाइनल प्रोडक्ट बनेगी तभी पता लगेगा, अभी तो फिलहाल ये वर्किंग है, प्रोग्रेस है। यार देखो मुझे नहीं पता ये लोग इसको क्यों इतना बुरा समझते, 7 अप लोग इसको कहते हैं बीमारों वाली बोतल है, यकीन करो उनसे पूछो, उनको इसकी प्राइस का पता है, जिनको गैस हो जाती है या फिर जिनके पेट में जलन हो रही होती है, सीने में जलन हो रही होती है, वो पीते हैं ना, तो मैं कहता हूँ उनको सुकून आ जाता है, सुरूर आ जाता है। इस टाइम मेरी भी कोई सिचुएशन है, खा खा के गोश्त ना, इतनी मेरे पेन हो रही है ना, तो अभी ये पीते हैं बोतल भाई, ये बेस्ट बोतल है, इसमें ना इतनी ज़्यादा गैस होती है और पेट के लिए भी बिल्कुल सही है, हाजमे के लिए बड़ी बेस्ट है, 7 अप इज़ द बेस्ट। सर देखो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है ईद का तीसरा दिन, ईद के पहले दिन बारिश आई, दूसरे दिन बहुत ज़्यादा गर्मी रही, आज तीसरा दिन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मौसम इतना अच्छा कर दिया ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ टाइम लैप्स पे। सर यार देखो टाइम लैप्स वाला तो ड्रॉप सीन हो गया, एज बिकॉज बारिश स्टार्ट हो गई है, तो वो कैमरे के ऊपर बार बार ना छींटे गिर रहे हैं, तो हम ना बारिश की जोन से ना टाइम लैप्स बना लेंगे जब तेज़ हो जाएगी, अभी फ़िलहाल हल्की हल्की शुरू हो गई है बारिश, तो जब ये फुल तेज़ हो जाएगी ना इसकी, तब टाइम लैप्स स्टार्ट कर देंगे, तो अभी नीचे ही चलते हैं
एवं हम भी गीले होंगे और मोबाइल भी गीला होगा, तो चलते हैं नीचे। तो यार देखो, तेज तरीन बारिश का सिलसिला शुरू हो गया फुल स्पीड में। इतनी तेज है यार, देख रहे हो, ये मुझे लग रहा है कि वीडियो में शायद ना पता लग रहा हो, बट बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है फुल स्पीड वाली। ऊपर बादल इतने काले नहीं हैं, लेकिन आगे पीछे बहुत ज़्यादा बादल काले हैं। हाय हाय हाय, कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। तो यार देखो, मैंने टाइम लैप्स की रिकॉर्डिंग वगैरह कर ली है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी देखते हैं बाहर जाके बारिश हो रही है। हाँ, बारिश रुक गई है और टाइम लैप्स भी मैंने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। मैं बाहर आता हूँ, बारिश शुरू हो जाती है यार, क्या सीन है ये। और फिर हल्की हल्की कनियाँ पड़नी शुरू हो गई हैं, तो खैर कोई नहीं, आज हमने ना शाम को जाना। चलो चंगा हो गया कि यार आज मौसम अच्छा हो गया, शाम को हम जाएंगे ना घूमने फिरने, तो ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगी। मेरे मुँह पर पड़ रही हैं छिट्टे बारिशों के, मतलब बारिश हो गई। मैं नहाया नहीं हूँ, इसलिए नहीं नहाया क्योंकि यार फिर बारिश में नहाने के बाद ना अलग सी गर्मी लगने लग जाती है। कपड़े चेंज करो नहा के, फिर ना चुभन सी होती है ना, तो हब्स हो जानी है उसके बाद वैसे ही बारिश के, क्योंकि जुलाई अगस्त का महीना होता ही हब्स का है। मैं इसलिए नहीं नहा रहा कि यार एक तो ये कपड़े गीले हो जाएंगे, कपड़े तो चेंज करके नहाना, लेकिन ना बस फिर उसके बाद जो तड़फनी मिट्टी लगेगी ना वो बड़ी गलत होगी, तो इसलिए नहीं मैं नहाया। अंदर ही चलते हैं अब, मैं फिर वैसे भी गीला हो ही हूँ मैं इतना ज़्यादा ना। यार देखो, फिर से बारिश का सीन शुरू हो गया। मैं लगता है आज का प्लान कैंसिल ना हो जो शाम को जो जाना है। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, मैं इसको कम करके ना नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा अब जो किया हो काम है। तो यार देखो, मौसम डिमांड है और चाय ना बने तो ऐसा तो हो नहीं ना सकता। चाय बनाते हैं और टेरेस पे जाके पी के आते हैं, मामा को भी बना के देते हैं, चाय खुद भी पीते हैं। शुरू करते हैं चाय का बनाने का प्रोसेस। आज हम आपको सिखाएंगे कि चाय कैसे बनती है, डिलीशियस मज़ेदार यमी चाय कैसे बनती है। तो शुरू करते हैं। यार देखो, चाय बनाने के लिए हमें चाहिए एक अदद सॉस पैन जिसमें चाय बनेगी। हसबे ज़रूरत दूध, कितने कप्स की चाय आपने बनानी है उस हिसाब से दूध डाल लें। पत्ती, चीनी, मैं 3 कप बना रहा हूँ, 1 चम्मच पत्ती का, एक के साथ ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा। वेरी गुड, चाय बनाने लगो चूल्हा जलाया ही नहीं। वेरी गुड, क्लैपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चूल्हा जलाएंगे, ठीक है। और चीनी, यार चीनी मैं अभी नहीं डाल सकता क्योंकि मामा को शुगर है, तो उनको मैंने शक्कर डाल के दूंगा एंड पे। मैं भी फीकी बना रहा हूँ, फिर मैं खुद ही ऐड कर दूंगा अपने हिसाब से, ठीक है। सो हियर फाइनली गाइस, मामा के लिए चाय बना दी है, अभी अपनी आगे चाय लेके ऊपर जाके पीते हैं। सो यहाँ पे चिंटू का दूध गर्म हो रहा है। चिंटू आज भाई बहुत ज़्यादा लेटियाँ दे रहा है, चिंटू को दिखाऊंगा। ये देखो चिंटू, आपका दूध, चिंटू आया हुआ, ये देखो देख रहे हैं सर। चिंटू आपको भी देती है मामा दूध जाओ। तो हम अपनी चाय का कप डाल लेते हैं और चलते हैं ऊपर, ऊपर बैठ के पीते हैं चाय। तो अब हम चलते हैं ऊपर। तो स्टिल अभी तक बारिश नहीं रुकी और छम 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 रम झम रिम झिम रिम झिम बारिश होती चली जा रही है। हम इधर खड़े हो गए ना, अपनी चाय एंजॉय करते हैं और कुछ नहीं। पसीना आ गया, मैं किचन में से आया हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे। मैंने पंखा भी नहीं चलाया था क्योंकि फिर आवाज़ आती है माइक में ना, गड़गड़ गड़गड़, और चूल्हा भी ना जलता जलता हिलता है। तो यार इधर खड़े हो गए ना, थोड़ा सा सीन ले लेते हैं जल्दी जल्दी से ताकि बारिश में गीला ना हो जाए मोबाइल। तो चलते हैं उधर। देखो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तो चाय हो गई है, चाय डन। तो अब हम चलते हैं नीचे, मोबाइल अच्छे वाला गीला हो गया, रिमझिम रिमझिम भी हो रही है, थोड़े थोड़े कनियों कनियों से भी ना बहुत ज़्यादा गीला हो गया, तो नीचे चलते हैं अब। बाय बाय। तो यार ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं इस व्लॉग को करने लगा एंड। हम शाम को जहाँ पे भी जाएंगे ना, जो जो करेंगे ना, वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखा दूंगा। तो आज के व्लॉग का टाइटल भी होगा कि चाय कैसे बनाते हैं। तो इस व्लॉग को करते हैं एंड, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। And please don't forget to like, share and subscribe. Please do subscribe and keep smiling.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पीस आउट, बाय बाय।